यानो राज्य से सोने के धागे के साथ दो कोट पंखे वाली चार हरी रेशमी रजाई, गैश्री के राज्य से लाल रंग की लकड़ी के दो टुकड़े 60 ड्रैगन लकड़ी, टोंजिंग के राज्य से 10 जंग लोबान 10 जंग अंतर, निडेल साम्राज्य से एकार मीन का एक डिब्बा, लेपिस लाजुली के दो डिब्बे, मोम के चार डिब्बे, सारा के राज्य से एम्बर के 3 बक्से, एम्बर के 1 डिब्बे, केसर के 5 टोकरी, दयाल दी से 8 भालू 10,000 सोने के सिक्के, डार्विन के राज्य से चंदन के मोतियों की 50 किस्में, 2 बुद्ध की मूर्तियां, नेपोंग साम्राज्य से 20 संगीतकार, 60 मगरमच्छ की खाल, अन्नान के राज्य से 6 सफेद हाथी 8 सफेद बंदर। मैंने सुना है कि अन्नान राज्य सूखे की चपेट में, क्या मैंने उन्हें मुक्त नहीं किया? जब उनका योग्य साम्राज्य के साथ युद्ध हुआ तो महामहिम ने लोगों को बातचीत के लिए भेजा, फिर सब कुछ तय हो गया, उन्होंने इसे प्यार से भेजा है। आप चिंता बिल्कुल भी ना कीजिए, मुझे अच्छा लगा। लंपू के राज्य से लाल सिर वाले क्रेन के साथ जोड़े 40 5 रंग के तोते, वो पिछले साल नीलकंठ लाए थे, है ना? हाँ, क्या आप इस साल तोते लाए? शांति बनाने के लिए बदलाव की जरूरत है सर। वो अकेली है जो मुझ पर ध्यान नहीं देती है। राजकुमारी ऊपर वाले का तोहफा है हमारे लिए। उसकी माँ पूरे साम्राज्य की सबसे होशियार औरत थी। उसके रंगीन रेशम के कपड़े कोमलता का एहसास कराते। ये अफसोस की बात है कि तुरंडौल के जन्म के वक्त भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया। वहाँ वहाँ रो क्यों रही हो? ये सिर्फ एक छोटी सी खरोंच है। रो मत। देखो, पापा उसे हरा देंगे, ठीक है? ये क्या है? मैं आपसे माफी चाहता हूँ महामहिम। इस जगह को मालवीय कहा जाता है, छोटी आबादी वाला साम्राज्य। उसका अभी तक साम्राज्य से कोई संबंध नहीं है। मुझे ये नक्शा पूरा करना है ना? चलो इसे खत्म करते और तुम रोगी नहीं। नक्शा खत्म करें, हुक्म का पालन करें। जनरल बुआन, अपने हुक्म की तैयारी करो। जी सर। सम्राट ने नक्शा खत्म करने का हुक्म दिया है। हो जाएगा। भाइयों, हमारे आगे एक लंबा सफर है। पूरे देश में पानी ताजा होता है, घास हरी होती है और पशु बड़े होते हैं और औरत काफी सुंदर होती। इंतजार मत करो, आगे बढ़ो। मालवीय एक छोटा शांत और सफल राज्य है। कई पीढ़ियों तक वो 3 कंगनों से जुड़े थे।
जो थे ज्ञान, सौंदर्य और शक्ति। शाही परिवार के पूर्वजों ने चेतावनी दी थी कि जो कोई भी उन सभी को एक तरफ रख देगा वो दिव्य शक्ति को पा लेगा, लेकिन उसके अभिशाप भी जाग जाएगा। देखिए कैलाब दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है। पीछे चलो कैलाब, अपने पैरों को मजबूत करो। सर, आपकी तलवार को मेरी तलवार को इस तरह रोकना होगा। आपको अपनी छाती के दाहिने हिस्से को महफूज रखना सीखना होगा। भाइयों, क्या तुम तैयार हो? हम तैयार हैं। इंतजार मत करो, आगे बढ़ो। गुरुजी देखिए, क्या हो रहा है? जल्दी मालवीय की घेराबंदी की जाएगी। क्या? ये क्या है? महामहिम आ रहे हैं। आज किसका जन्मदिन है? मेरा। सच में? देखो ये सब मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। मुझे इसकी जरूरत नहीं, इसे मुझे दो।
मुझे अपना हाथ दो, इधर आओ। अच्छा लग रहा है सच में। ये क्या है? कोई दूंगी। उन्हें उतार दो। ये नामुमकिन है। मुझे दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है। इसका इस्तेमाल करो। उन्हें तोड़ दो। ये कंगन राजकुमारी में जड़े हुए हैं। महामाइम को उसका हाथ काटना पड़ेगा। ये कैसा श्राप है? राजकुमारी, मास्टर झाऊ, आप वापस आ गए? आप 2 साल के लिए चले गए थे। सनांटी, तुम आखिरकार वापस आ गए। चलो लुएर, तुम पहले क्यों नहीं आए? उसकी माँ की बीमारी से मौत हो गई। लुएर, ये तुम्हारे पिता हैं। लुए, मैं तुम्हारा पिता हूँ। पिताजी घर पर आ गए। मुझे माँ चाहिए। महाराज। हाँ है आप इतने दिनों से? इस चीज का पता लगाने के लिए मुझे स्वर्ग की ओर जाना पड़ा। क्या तुम्हें कुछ पता चला? ये तीनों कंगन दूर देश के हैं। अलग अलग रहकर वो अच्छे हैं, लेकिन साथ में वे बुरे हैं। 3 कंगन के लिए 3 पहेलियां हैं। पहेलियों के जवाब में सच्चाई है। हम उन्हें कैसे उतारेंगे? जब राजकुमारी 15 साल की हो जाएंगी तो उनका साथी शाप हटा देगा और उसकी जान खतरे में होगी। इंतजार करें जब तक कि उनकी शादी लायक उम्र ना हो जाए। इतना लंबा इंतजार क्यों? एक बात और, मुझे सच बताना होगा। बोलो। जैसे जैसे वो बड़ी होगी, कंगन उसका खून पीने लगेंगे और उसका दिल और आत्मा बर्फ की तरह ठंडी पड़ जाएगी। 18 साल की उम्र में ये शराब उसकी आत्मा को भस्म कर देगा और वो पागल हो जाएंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बकवास करने की? मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं हिम्मत नहीं करता। महाराज, ये वक्त है किसका? आतिशबाजी की। राजकुमारी टेरेंडोट का जन्मदिन है। हेलो, तुम कौन हो? तुम कहां से हो? और तुम्हारे माता पिता, वो कहां हैं? मुझे याद नहीं आ रहा। तुम्हारे
क्या है? उसका नाम है ब्लू आइज। देखो उसकी नीली आंखें हैं। राजकुमारी, आकाश में आतिशबाजी को देखो, वो बहुत सुंदर और रंगीन है। ये मेरा आखिरी बारूद था। रुको, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि कहाँ है। ऐसे में काम नहीं चलेगा। ऊपर की वो गुफा अंदर की ओर जाती है। जरूरी इंसान आ रहा है। ये यहाँ का सबसे अच्छा कारीगर है। पटाखों का उत्पादन शाही परिवार का एक राज है जो सामने नहीं आना चाहिए। शौचालय में भी वो लगातार पहरा देता है। जो कोई भी इसे चुराएगा उसकी आंख निकाल ली जाएगी। वो भयानक है। हे, वहाँ कौन है? उन्हें पकड़ो, पकड़ो इन्हें, पकड़ो। पकड़ो, जल्दी पकड़ो। रुक जाओ, चलो भागो। रुक जाओ, रोको इन्हें। शुक्रिया गुरुजी। हे, चलो चलते हैं। यहाँ यहाँ जल्दी। गुफा है ये, कहाँ जाती है? किसे पड़ी है? चलो चलें। महारानी, जनरल बोयान आए हैं।
वो क्या चाहता है? महाराज, आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहते हैं, और मुझे भेजा है कि मैं तुम्हें तलवार चलाना सिखाऊं। मुझे इसकी जरूरत नहीं। पर ये महाराज का हुक्म है। पहले हमला करो। तुम्हारी तलवार कहाँ है? क्या मुझे उसकी जरूरत है? कल मैं तुम्हारे लिए नई खरीद दूंगा। मेरी माँ की एक आखिरी निशानी वही थी। जरूर तुम्हारी हरकतें थोड़ी तेज हैं, लेकिन तलवार पर काबू औसत दर्जे का है। तुम्हारे घूंसे सटीक नहीं हैं। तुम काफी जोर से नहीं मारती हो। निचले शरीर पर काबू नहीं है। खूबसूरत जगह है। इसलिए मैं तुम्हें तलवार चलाना ही नहीं, लेकिन अच्छा बर्ताव करना भी सिखाऊंगा। छोड़ दो। एक मजबूत आदमी एक कमजोर औरत को मारता है, काफी शर्म की बात है। मैं इस तरीके को जानता हूँ। ये तुम्हें किसने सिखाया? क्यों, क्या हुआ? बस मुझे जानना है। झोड़ा, उनके साथ हमारा एक टीचर था। चलो देखें कि उनका स्टूडेंट कितना अच्छा है। तीन कंगन, वे यहाँ कैसे पहुँचे? इन बाहरी लोगों को यहाँ से निकालो और मार डालो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो मेरे लोग हैं। महामहिम, हमें माफी करें। मैं तुम्हें सिखा नहीं पाऊंगा, अब मुझे जाना होगा। आज से तुम मुझे सिखाओगे। आपने उसे आने के लिए कहा और मैं, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम मुझे आने दोगी तो वो नहीं आएगा। इसका फैसला तुम लोग करो। ब्लू आइट, तुम्हें क्या हो गया है? तो ये राजकुमारी थी, वो कितनी सुंदर है। मुझे वो अच्छी नहीं लगी। अपने अंदर के विजेता को पहचाने, अपने अंदर के हुनर को पहचाने। बैटमास्टर कैसीनो और स्पोर्ट्स बुक है। बैटमास्टर कैसीनो और स्पोर्ट्स बुक है। ऑनलाइन 24 घंटे वह सातों दिन अनगिनत कैसीनो गेम्स, शानदार स्पोर्ट्स बुक, जीत के लिए अनगिनत अवसर, रियल कैश। अभी साइन अप करें और अपनी पहली जमा राशि पर 100% या अधिकतम 20,000 रुपए तक प्राप्त करें।
मैं मदद करता हूँ। मुझे लगा तुम नहीं आओगे। मैंने इसके बारे में सोचा। तो तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हें फिर से देखना चाहता था। तुम अंदर कैसे आए? वहाँ गुफा है, मैं बगल के दरवाजे से अंदर आ गया। यहाँ सिर्फ शाही गार्ड को आने की इजाजत है। मैं बन सकता हूँ एक शाही गार्ड? तुम्हारा नाम क्या है? ब्लू आई, मेरी आंखें नीली हैं। मुझे बताओ नीला क्या है? छोटे फूल हैं, वे भी नीले हैं। दुनिया में काफी चीजें नीली हैं। वापस जाने का वक्त हो गया है, तुम्हें भी जाना चाहिए। जब तुम मेरे पास आओ तो याद रखना, पूर्णिमा में मत आना। रुको, तुम आतिशबाजी कर सकते हो? हाँ, रियाज करता रहता हूँ, लेकिन अभी सही से नहीं आता। एक दिन मैं दुनिया का सबसे अच्छा आतिशबाजी मास्टर बनूंगा। मैं बस यही देखती हूँ, जगमगाती रोशनी का एक गुच्छा। क्या तुम्हें कोई रंग नहीं दिख रहा है? काफी तेज हो, क्या तुम उनकी वजह से तलवार का यूज ऐसे कर रही हो? तुम अच्छी हो, जल्द ही मैं तुम्हें मास्टर कहूंगा। आप अभी शुरू कर सकते हैं। ब्लू आइट, ये क्या है? ऐसा लगा जैसे मैं एक पल के लिए मर गया था, सब दिखना बंद हो गया। ये कंगन काफी मजबूत हैं। हाँ, लेकिन मुझे उनसे नफरत है। क्या? वो मेरे लिए एक श्राप है। पुजारी, क्या समय हो गया? रुको, तुम्हें पता चल जाएगा।
क्यों? मैंने वो सब किया जो मैं कर सकता था और तुमने मुझसे वादा किया था। मैं इतने लंबे समय के बाद भी उसे हासिल क्यों नहीं कर सका? अभी समय नहीं हुआ है, शांत रहो। क्या अभी भी समय नहीं हुआ? जैसा कि तुम जानते हो, सालों से सम्राट शेर से भेड़ में बदल गया है। साम्राज्य का क्या होगा? ये साम्राज्य यकीनन तुम्हें ही मिलना चाहिए जनरल। राजकुमारी सम्राट की उत्तराधिकारी है। अगर तुम राजकुमारी से शादी कर लो तो साम्राज्य तुम्हारा ही होगा। फिर मुझे तुम्हारी जरूरत क्यों है? तुमने मुझसे जो वादा किया था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मेरे आदमी खबर लेकर लौटे हैं। मालवीय शाही परिवार का कुछ राज है, उनके दिल दाहिनी ओर हैं। जब हमने गुरु को सेनापति के बारे में बताया जिसके साथ हमने कई साल पहले रियाज किया था, वो हमें दूर भगाने लगे। वो कहते हैं जनरल बुरे हैं, हम अब शाही महल में नहीं जा सकते और आप आगे बढ़ें। मैं काफी सावधान हूँ मास्टर, मैं जा रहा हूँ। नाश्ता नहीं कर, मेरे पास समय नहीं है। क्या आप समारोह में नहीं जाएंगे? मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। हे, सावधान रहें। मैंने तुमसे कहा था बूढ़ी पा पर मत आना। राजकुमारी टर्डोट, क्या हुआ? तुम्हें ऐसे किसने बांधा? तुम यहाँ अकेले क्यों हो? इसमें दखल ना ही दो, चले जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। उनकी ये सब करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या आपको कंगन की वजह से दर्द नहीं होता? मैं खुद बंधी रहना चाहती थी। क्यों? मैं नहीं चाहती आप मुझे इस तरह देखें। सर डोट, तुम्हारी आंखें। जाओ। राजकुमारी, ये मैं हूँ ब्लू आई। क्या हुआ तुम्हें? फिर मत आना, जाओ जाओ। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। मैं तुम्हें अब और नहीं देखना चाहती। वाह, आप शाही पहरे में। मुझे परेशान नहीं करो, मैं काम पर हूँ। जब आपका काम हो जाए तो मुझे बाजार में मिलना। ठीक है। ये
सच में सोना है, ये मेरा है, ये मेरा सोना है। मत जाओ, असली सोना। महामहिम आ रहे हैं। पिताजी, मैंने सुना है कि प्रिंस वूटन लंफू साम्राज्य में आ गए। 6 महीने पहले लंफू साम्राज्य का राजकुमार शादी नहीं करना चाहते थे। ये लंफू का सबसे छोटा पुत्र था। मेरे लिए कितने राजकुमार मारे गए, पहेलियों को कोई नहीं सुलझा सकता। मैं कभी कोशिश नहीं छोड़ूंगा। मैंने एक पूरा साम्राज्य जुटाया है। मैंने अपने लोगों को दुनिया के कोने कोने में भेजा। मुझे कोई मिल जाएगा जो इस श्राप को दूर करेगा। लीवर वो कहां से मिला? जमीन पर मिला। अपने चुटकले बंद करो। आप मरने के बाद ये सब साथ नहीं ले जा सकते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हे, उदास मत हो। तुम दूसरे लोगों के पैसे खर्च नहीं कर सकते, ठीक है? नहीं। रुको, वादा करो कि तुम फिर से ऐसा नहीं करोगे। सुंदर है? हाँ। अपने दाव लगाओ, अपने दाव लगाओ। लोपबुरी साम्राज्य का राजकुमार यकीनन अच्छे हैं। वो 3 पहेलियों को हल करने में सफल रहेगा और बादशाह का दामाद भी बनेगा। ये जीवन में एक बार ही मौका मिलेगा। ये देखो, अकलमंद लोगों का ग्रुप। क्या वो प्रिंस वुटांग है? और मैं उसे पसंद भी करता। मुझे उसका खंजर पसंद है। मेरा खंजर वापस लाओ। रुको, जाओ, पकड़ो, भागो।
मेरे पास कम वक्त है। ब्लू आइट, क्या तुम ठीक हो? मेरा खंजर वापस लाओ। कौन साबित करेगा कि खंजर तुम्हारा है? मुझे खंजर दो, वो दो। ये तुम्हारा है, लीवर आ जाओ। किस्मत से लीवर ने उसे ढूंढ लिया। क्या ये आपकी प्रेमिका है? नहीं, वो मेरी बहन है। कौन बहन? तुम्हें क्या लगता है हम एक जैसे हैं? चलो। ब्लू आइड, तुम यहाँ के नहीं लगते हो। आप कहाँ से हो? आपका परिवार कहाँ है? मुझे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। जब मैं काफी छोटा था तब मेरे गुरुजी मुझे यहाँ लाए थे। और यहाँ इतना बुरा नहीं है, देखो राज्य फल फूल रहा है। इसका कोई मतलब नहीं है सर, अभी काफी कुछ अच्छा होना बाकी है। यहाँ बहुत सन्नाटा है। आतिशबाजी मास्टर रात में आराम करते हैं। आतिशबाजी बनाने का कोई राज होगा, राजकुमारी का दहेज। भाग्य का पेड़, क्या आप मुझे दुआ देंगे? कुछ ऐसा। सुना है कि हर पहली समारोह में पहले राजकुमारी से मिलने का मौका मिलता है। हाँ। क्या वो सच में इतनी खूबसूरत है? वो सुंदर है। तो तुमने उसे देखा? भगवान ने मुझे एक बार ऐसा मौका दिया था। और क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया? बदकिस्मती से हमारी दुनिया काफी अलग है। मेरा एक छोटा भाई था, वो टुरंडोट के लिए उतना ही जुनूनी था जितने की आप, लेकिन साल की शुरुआत में ही उसकी मौत हो गई। तुम चाहो तो हम भाई बन जाते हैं। बढ़िया। सूर्य लोगों पर चमकता है, आज अच्छा दिन है। रुकिए, अपने हथियार यहीं छोड़ दीजिए। हमारे लिए आपके लिए राजकुमारी टुरंडोट बहुत इज्जत है। क्योंकि मेरी जिंदगी दांव पर है, इसलिए मेरी आपसे एक विनती है। पूरी दुनिया कहती है कि आप बहुत सुंदर हैं। मैं उस सुंदरता को देखना चाहता हूं और उसकी सराहना करना चाहता हूं। मैं बिना पछतावे के अपनी जान देना चाहता हूं। मैं भीख मांगती हूं। क्या आपको मेरा छोटा भाई याद है? वो उन बेगुनाहों में से एक है जो तुम्हारे हाथों मारा गया। समारोह शुरू होने से पहले वो मरने के लिए सहमत हो गया।
दूसरों को दोष मत दो। अगर आप सवालों का सही जवाब देते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्रिंस वुटोंग, आप मेहमान के रूप में आए, लेकिन आप एक कपटी हथियारे निकले। लेकिन अगर आप तीन पहेलियों को हल कर सकते हैं तो मैं आपको माफ कर सकता हूँ, सच में। और अगर आप नहीं कर पाए तो आपको सजा मिलेगी। अगर तुम चाहो तो मुझे मार डालो। रुको, मैं तुम्हें जिंदा रहने का मौका दे रहा और तुम मना कर रहे हो। क्या कर रहे हो? मुझे पहेलियां हल करने दो, मुझे उन्हें हल करने दो। रुको, मुझे उन्हें हल करने दो। पागल आदमी से ले जाओ, मुझे पहेलियां हल करने दो। मुझे बताओ, वो तुम्हारा काम नहीं है, अपना जिंदगी मत गवाओ। रुको, बताओ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि प्रिंस व्यूटन और मैं भाई हैं। हमने इज्जत और दर्द, जीवन और मौत बांटने की कसम खाई है। नहीं ब्लू व्हाइट, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? सर, क्यों नहीं? अगर वो भाई हैं, उन्हें शाही परिवार का सदस्य माना जाना चाहिए। उसे पहेलियों को हल करने दो। भाई एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। जाने दो। इसमें क्या बुराई है? ब्लू व्हाइट को पहेलियां हल करने दो। लियोएर, अगर वो चाहता है तो उसे इसका पता लगाने दो। तुम पागल हो क्या? तुम उसे मरते हुए देखना चाहते हो? ब्लू व्हाइट को पहेलियां हल करने दो। घटिया इंसान, उसे इसका पता लगाने दो। ब्लू आई, क्या आप इसका परिणाम जानते हैं? अगर मैं असफल हुआ तो मुझे सजा स्वीकार है। ओ, तो तुम हो जो आए हो। मुझे लग ही रहा था कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। बढ़िया, तुम्हारे गुरु की वजह से मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम चाहते हो। महाराज, क्योंकि वो प्रिंस वोटुंग का भाई है, अगर वो पहेलियां हल नहीं कर पाया तो हमें उन्हें एक साथ मारना होगा। अच्छा, क्योंकि लोग तुम्हारे साथ हैं तो मैं तुम्हें ये मौका दूंगा। राजकुमारी की पहली आवाज देते ही उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। अगर आप पहेली को हल करते हैं तो जो आतिशबाजी जलाई जाएगी। सही जवाब नहीं देने पर तुम्हें तुरंत ही मार दिया जाएगा। आप शाही पहरेदार बन गए हैं। मैंने वो किया। क्या कहा? आने की जरूरत नहीं थी, मुझे करना पड़ा। पीछे हटने में देर नहीं हुई है, मैं अपने पिता से बात कर लूंगी। नहीं, मैं पागलपन को तुम पर हावी होते हुए नहीं देखना चाहता। ये मेरे पास आखिरी मौका है। ब्लू आइड, मेरे लिए दुआ करना। इस संसार में ऐसा क्या है जो अंधकार में बनता है और भोर में मर जाता है? इस पहेली का जवाब दो। बच्चे, मेरे साथ आओ। तुम कौन हो? तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो?
राजा, आपको चोट लगी है। गिलाफ को ले लो और चले जाओ। अब हम यहाँ थोड़ी देर रुक सकते हैं। नहीं, हम नहीं कर सकते। हमने हर वक्त उनको संभाला, अब इन्हें पहन लो। नहीं, जो उन्हें पहनेगा उसे श्राप लग जाएगा। कोई और चारा नहीं है। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। भगवान मुझे माफ कर दो। कैलाश, इसे भी पहनो, ये हमारा आखिरी मौका है। नहीं। माँ, जल्दी करो, छाया मत करो, मुझे नहीं दिख रहा, समय हो रहा है। क्या तुम्हारे पास जवाब है? ये आदमी पहेलियों को हल नहीं कर सका। मैंने उन्हें देखा है, मैं यहाँ पहले भी रहा हूँ। मैं पूरी कोशिश कर रहा था, हमारी भूख थी जिससे मैं लड़ रहा था। रोना धोना कर दे बिल्कुल बैन, क्योंकि तेरा बेटा बन गया बैट मास्टर का फैन। बेटा बन गया बैट मास्टर का फैन, क्योंकि तेरा बेटा बन गया बैट मास्टर का फैन। चिल्लर गिनने के दिन अब गए, मेरी माँ अच्छा अच्छा खाना बनाए बनाए। खुशी तेरी ये सब पे भारी है, उसके लिए बैट मास्टर के हम आभारी है। आगे बढ़ो। सिंसियो, पिताजी, पिताजी, ब्लू व्हाइट को बचाओ। पिताजी, मैं तुमसे विनती करती हूँ, बताओ वो क्या है जो इस दुनिया में अंधेरे में पैदा हुआ और भोर में मर जाता है। बेटा, अपने गुरु के साथ जाओ। माँ नहीं, मुझे नहीं चाहिए। हाँ, तुम्हें जीना है, तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो।
तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। उम्मीद, जवाब है उम्मीद। मैं ये समझ गया, पहेली का जवाब है उम्मीद। उम्मीद, उसने कहा उम्मीद। उम्मीद, 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 उम्मीद। इसे फेंक दो। पहेली का जवाब है उम्मीद। उम्मीद। पिताजी, ब्लू व्हाइट, उन्होंने इसका पता लगा लिया। मैंने अंदाजा लगा लिया था। रास्ता बनाओ, रास्ता बनाओ। हटो, हटो। हमारे महान हीरो, इनके लिए रास्ता बनाएं। लुए, हाँ? जब वो सभी पहेलियों को सुलझाएगा और राजकुमारी टरनडोट से शादी करेगी, तुम भी बन जाओगे राज परिवार का हिस्सा। हमें मत भूलना। रास्ता बनाओ, रास्ता बनाओ। इन सभी सालों में मैंने ऊपर वाले से दुआ की, उन्होंने आखिरकार मेरी सुन ली। ये लड़का अच्छा है। वो कहां से है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहां से आता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी दुआएं उसके साथ हैं। और सबसे बढ़कर मैं उसे पहला लॉर्ड बनाऊंगा। आप क्या सोचते हैं? आप सही कह रहे हैं। मैं जाता हूं। सर, कल पटाखों को न जलाना ना भूलें, चाहे उसने इसका पता लगा लिया हो या नहीं। मास्टर अभी तक सोए नहीं? क्या आप पहाड़ी के दूसरी ओर का रास्ता जानते हैं? वो जो शहर से जाता है। जारी रखें। गुरुजी, मैं नहीं चाहता कि वो आपका सर धड़ से अलग कर। मुझे लगता है कि मैं किस्मत वाला हूँ। जब मैंने वो कंगन देखे, मुझे तुरंत ऐसा लगा जैसे मैंने पहले उन्हें देखा है। चुप रहो। हाँ, अगर आप तीन पहलुओं को सुलझा देंगे तो भी आप उससे शादी नहीं करेंगे। क्यों? क्या आप समझते हैं कि आप कौन हैं? मैं कौन हूँ? आओ, हम सब यहाँ से चलें और लुएर भी। नहीं, मैं उसे बचाना चाहता हूँ। मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन मैं इसे बचाऊंगा। वो कुंवारी को सजाती है और पति डरे हुए हैं। पुरुष और कुंवारी एक साथ मर जाते हैं जब वो बर्फ में जम जाएं। चलिए चलते हैं। चलो, मैं कहता हूं।
मास्टर के साथ जाओ। माँ नहीं, जाओ मुझे मास्टर नहीं के जाना। साथ तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। भागो। जाओ जाओ भागो। आपको मौत की सजा दी जाती है 1000 कट से। पहली कट ऊपर वाले के नाम, वो कुंवारी को सजाती है। नहीं नहीं, और पति डरे हुए हैं। दूसरी कट पृथ्वी के लिए, पति और कुंवारियों की एक साथ मौत जब ये बर्फ में जम जाएं। खून, पिताजी, मैं ये समझ गया, जवाब है खून। चलो आतिशबाजी चलाने के लिए दौड़े, चलो भागे। जाहिर है मुझे इसका पता नहीं चला। तीसरी कट पूर्वजों के लिए, दिल पर। हाँ जल्दी करो, रुको। क्या हुआ अगर आतिशबाजी नहीं जली? आज बरसात हो रही है। और मुझे पता था कि तुम आओगे भाई, मैंने लंबे समय से इंतजार किया है। लुएर भागो। कभी नहीं। खबरदार, पिताजी उसे खोलो। रुको,
नहीं तो मर जाएगी। उसे जाने दो, मुझे मार डालो इसकी जगह। ब्लू व्हाइट। उसने पहेली हल की। ये आपके लिए बेहतर है, पी लो इसे। मेरा नाम कैलाश है। तो मैं राजा और रानी का बेटा हूं। तो वे दोनों मर गए, तुमने मुझे बचा लिया है ना गुरुजी। मुझे आखिर में याद है, लड़के के बारे में क्या जानकारी है? वो खुद नहीं जानता। बात अहम है, क्या तुमने देखा है कि लोग उसके लिए खड़े हुए? चिंता मत करो, मैं उसे निपट लूंगा सच। वैसे सर, आपने जो हुक्म दिया वो हो गया है। इतना वक्त बीत गया, पिताजी कहाँ हैं? लेकिन हमारे पीछे चलो, भागो भागो, पकड़ो। रुक जाओ, रुको। नहीं, ओ, चलो भागो। मत छुओ, हट जाओ। तुम कहाँ जा रहे थे? तुमसे मतलब? आपने अपनी कसम तोड़ दी। दोस्तों के लिए कसम खाई है, तुम मेरी दोस्त नहीं हो। तो आपने पहेलियों को क्यों सुलझाया? मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है महारानी, काफी बात कर ली, मारो पहले। अच्छा, मुझे हराएं तो मुक्त हो जाओगे। मैं अपने आप को तुम्हें नहीं दूंगा, ना तो जिंदा ना ही मुर्दा। और ये आजादी देता है, और वो उसे बेड़ियों में डाल देगा। बर्फ कितनी भी क्यों ना पिघले, तुम इससे नहीं बच पाओगे। मुझे बताओ ये क्या है? तुम मेरे दुश्मन नहीं हो, मुझे एक जवाब की जरूरत है। मदद,
मुझे माफ करें, नहीं कर सकता। किस लिए? ये वो श्राप है जो स्वर्ग ने तुम पर डाला है। कन्या राशि जो बर्फ से भी ज्यादा ठंडी होती है। टूरे डोंट। टूरे डोंट। राजकुमारी, 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 क्या हुआ? एक ऐसा फूल है, छोटा नीला नीला फूल। नीले फूल, नीले फूल। ऐसा कैसे? कैसे? बाईं छाती पर घातक घाव, तो क्या वो नहीं बच पाएगा? वो अलग है महाराज, उसके अंदर सब कुछ उल्टा है और उसका दिल दाहिनी ओर है। वो ठीक हो जाएगा, बस उसका बहुत खून बह गया है। मैंने उसे शाही जड़ी बूटी दी है, जल्दी ही वो तंदुरुस्त हो जाएगा। कैसे हैं पिताजी? झुको मत पिताजी। क्या वो ठीक है? बेशक, बिल्कुल, और ये आपके साथ और भी बेहतर है। आप किस लायक हैं? मेरे साथ आओ, चलने के लिए मेरे साथ चले। लुएर, यहाँ आओ, हमारे साथ आओ। मेरे बगीचे अपने अंदर के विजेता को पहचाने, अपने अंदर के हुनर को पहचाने। बैटमास्टर कैसीनो और स्पोर्ट्स बुक है। बैटमास्टर कैसीनो और स्पोर्ट्स बुक है। ऑनलाइन 24 घंटे व 7 दिन अनगिनत कैसीनो गेम्स, शानदार स्पोर्ट्स बुक, जीत के लिए अनगिनत अवसर, रियल कैश। अभी साइन अप करें और अपनी पहली जमा राशि का 100% या अधिकतम 20,000 रुपए तक प्राप्त करें। ब्लू आइड, तुम्हारी आंखें आकाश की तरह नीली हैं। लड़के, तुम्हें क्या हुआ? लड़के, क्या मेरा कोई नाम नहीं है? तो क्या ये आपका नाम नहीं है? मेरा असली नाम। क्या आपके माता पिता आपको ऐसे नहीं बुलाते? नहीं। क्या ये इतना जरूरी है? पिताजी ने सभी छोटे पापों के लिए लोगों को माफी करने का फरमान जारी कर दिया, कर्जा भी माफ कर दिया, सारा पूरा शाही दरबार आपका कर्जदार है। सच में मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने तुम्हारी 3 पहेलियों को सुलझा दिया, तुम भी एक को सुलझाओ। मेरा नाम क्या है? मैं कौन हूँ?
इसका पता लगाओ। लेकिन कल मैं 18 साल की हो जाऊंगी। पिताजी हमारी शादी करेंगे। तब तक तुम्हें ये पता लगाना होगा कि तुम किससे शादी कर रही हो। वादा। क्या पता लगा पाओगी? शादी नहीं होगी और मैं एक उंगली नहीं छूंगी। क्या माँ, किताब और सोने की मुहर दे दी? और उसने ये भी कहा है कि अगर राजकुमारी को उसके असली नाम का पता नहीं चलेगा तो शादी नहीं होगी। और ये फैसला उसके लिए नहीं। जल्दी जाओ और इनाम की घोषणा करो, कल तक जानने के लिए कि वो कौन है। अगर तुम इन तीन चीजों को एक साथ मिला दो तो तुम्हें एक जादुई शक्ति मिलेगी। कोई नहीं हरा सकता, उन कंगनों के मालिक के खून के सिवा कुछ नहीं। ये हो गया, ये अंत में हो गया। तुम काफी कुछ जानते हो। 10,000 इनाम। सिनेगल्स का। मैं सिनेगल जगह नहीं हूँ, मेरा एक नाम है। मेरी आंखों में देखो, मैं तुम्हारी बहन लुएर हूँ, तुम मेरे भाई सिनेलसगा हो। हाँ बहन। चलो यहाँ से जल्दी निकल चलो। हम कहाँ जा रहे हैं? जहाँ कोई आपके नाम की परवाह नहीं करता। क्यों? इसे मेरे नाम के इर्द गिर्द रहने दो, ये जानने के लिए कि उन्होंने क्या गलत किया है। जब उन्हें पता चलेगा कि तुम कौन हो, अपना सर मत फोड़ना। नहीं, मैंने शाप उठा लिया। वो अपने पति से नफरत नहीं करेगी। क्या तुम्हारा दिल उसे भूल नहीं पाता? नहीं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता क्यों। क्या तुम सच में उससे इतना प्यार करते हो? प्यार नहीं करता, नफरत करता हूँ। ये सब शुरू से ही सही नहीं हुआ। रो क्यों रही हो लुएर? रो मत, तुम्हारी मुस्कान और भी सुंदर है। तुम क्या पागल हो? ये तुम्हारी गलती नहीं है। मेरी नहीं,
लेकिन मैं गलती करने को तैयार हूँ। तुम कुछ नहीं समझते। समझता हूँ, मुझे पता है कि तुम्हारे ख्याल क्या हैं, लेकिन मैं, मुझे माफ करो। माफी मत मांगो, मैं तुम्हारा ख्याल भी जानती हूँ। मैं बहुत देर तक बैठी रही, रुको। जब तुम जाओ तो अंदर आना। तुम्हें परेशान करने के लिए मुझे माफ करना भाई, मेरी ओर से विनती है। तुम लंबे वक्त से जाना चाहते थे। भले ही हमने एक गुरु से सीखा हो, कानून के सामने सभी समान हैं। गुरु ने तुम्हारी बुराई की वजह से तुम्हें भगा दिया है। तुम मेरे भाई नहीं हो। ये सिनेल जगह कहाँ से है? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुमने अपने लिए एक लंबी सड़क क्यों चुनी है? बस घर मत छोड़ो। तुम अमर हो गए। मैं भी। महामाई लुएर आई है। लुएर, मुझे आपको कुछ बताना है सिनिग्लेज़का के बारे में। मदद। मैंने काफी देर तक इंतजार किया, ले जाओ इसे। रुको, तुम्हारे पास 3 से ज्यादा कंगन नहीं है महारानी, अब तुम अपने मंगेतर को नहीं बचा पाओगी। उसे छोड़ दो। बढ़िया, वो हमसे नफरत करता है, हमने उसका राज्य बर्बाद कर दिया है, तुम्हारे पिता उसे जाने नहीं देना चाहेंगे। मुझे कुछ मिला है, मालवीय शाही परिवार का प्रतीक। मैं अपने पिता से बात करूंगी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, अब हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है। नहीं, तुमने मेरे माता पिता को मार डाला, हमारे बीच शांति नहीं होनी चाहिए। क्या तुमने सुना? उसे आपकी रहमत की जरूरत नहीं है, जो भी था मौके पर ही उसे फांसी देने के लिए उसकी बातें ही काफी हैं। और बाद में महाराज को बता देना। रुको, उसे बर्बाद मत करो, और मैं तुम्हें वो दूंगी जो तुम मांगोगे। मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। सर से शादी करो, क्योंकि इसके साथ आपकी शादी नहीं होगी। कल आप इनसे शादी करेंगी। अगर तुम मुझसे शादी करने का वादा करती हो, तब मैं इसे जाने दूंगा। राजकुमारी, मेरे लिए इस कमीने से शादी मत करो। तो क्या कहना है महारानी? क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं। रात को वो मेरे पहरे में रहेगा, लेकिन कोई चालबाजी नहीं।
राजकुमारी मेरी मदद करो। हे लूअर, वो सब कुछ ले आए। और क्या खबर है? मास्टर ने कहा कि भगवान के साथी ने बारूद को महल में पहुंचाने का हुक्म दिया था। उनके बाद दौड़ो दौड़ो दौड़ो। मैंने इस दावत में लाने के लिए बहुत कुछ करने का हुक्म दिया। आपकी सगाई का जश्न मनाने के लिए, लेकिन आप हमारे दुश्मन के वारिस हैं। राजकुमारी को बचाने के लिए तुम बंधनों से आजाद हो जाओगी। हमारे बीच खून का झगड़ा है। जब आपने मुझे पकड़ ही लिया है तो आप मुझे मार डालो। लड़के, एक तो महाराज ने तुम्हारी जान बख्शी, इस तरह जवाब देने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं यकीनन तुम्हें मौत दूंगा। अगर तुम और मैं दुश्मन हैं, तो तुमने मेरी बेटी को क्यों बचाया? तुम्हारा एहसान पाने के लिए ये सब एक चाल थी, और इस बार उसने बदला लेने की कसम खाई है। देखो कौन बात कर रहा है। आपने ही सैनिकों को मालवीय तक पहुंचाया, आपने कमजोरों को नाराज किया है और दुश्मनी का बीज बोया है। हमने अपने दुश्मनों को मारने के लिए मालवीय को जमीन पर जला दिया। आप झूठ बोल रहे हैं, हमारे पास गवाह है। तुम्हें किसने चोट पहुंचाई है? ये जनरल बोआन ने किया है। खान, जहां तक मुझे पता है मालवीय तबाह हो गया था। सिर्फ इसलिए क्योंकि ये खून चाहता था। भाइयों, क्या तुम लड़ने के लिए तैयार हो? तैयार? तो इंतजार मत करो, हल्ला बोलो। रुको रुको, हमें पहले अपनी सबसे अच्छी कोशिश करने का हुक्म दिया गया है। खान ने हुक्म दिया है कि अगर वो शांति के लिए सहमत है तो उन्हें बख्श दे। ये सब कोई मजाक है क्या? ये मौज मस्ती करने का समय है क्या? क्या मैंने सही कहा? हाँ। सच है, ये देश द्रोह है। खान ने हुक्म नहीं दिया। ठीक है, अगर हाँ तो मैं आप उनसे शांति की बात करेंगे। जाओ। मालवीय शांति नहीं चाहता। हमारे निहत्ते राजदूत मारे गए। ये देश द्रोह है, मालवीय को खत्म कर दो। बोयन, क्या ये सच कह रहा है? सच है। तो क्या हुआ कमीने? ये सारा साम्राज्य, ये हमारे लोगों के पसीने और खून पर खड़ा है। अच्छा, उसने 100 या 2 को मार डाला तो क्या? जनरल बोयान, क्या ये ठीक है? अगर मेरे पिता युद्ध में ना मरे होते, तुम्हें राजा की गद्दी कभी नहीं मिल पाती। सैनिकों, चलो भागे, सिनेग्लग्स का पकड़ो। हाँ।
तैयार, जैसा कि मैं देख सकता हूँ जी रैसे जी, क्योंकि आज शादी है मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ। भागो भागो, लड़ाई शुरू होती है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। प्यारी आतिशबाजी है, और मैं और करूंगा। बारूद कहाँ है? सच में बदल गया। बेवकूफ हो तुम बोयान, नीच देशद्रोही, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। इतने सालों से मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। पिताजी सावधान, वो अमर हो गया है। ये तलवार देशद्रोहियों को मारने के लिए एक उलका पिंड से बनाई गई है, इससे वो बच नहीं पाएगा। महान खान की सेवा करने का ये सम्मान है, स्वर्ग को मेरे भाग्य का फैसला करने दो। अगर तुम मर जाते हो तो राजकुमारी के साथ सिंहासन भी मेरा हो जाएगा। यही ठीक है। तुम पुराने हो, बूढ़े हो गए हैं। तुम मरोगी। मेरे पीछे आओ, जल्दी करो। Go!
जादू की चाल। खबरदार, यहाँ और यहाँ और यहाँ, चलो भागो। केवल शुरुआत है। नहीं, तुम भाग नहीं सकते। टर्डोट, 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 मुझे माफ कर दो। कैलाफ, नहीं, बेहतर होगा कि तुम मुझे सिनेल जका कहो। आ,
आतिशबाजी का राज मेरे दहेज में है। मैंने इसे जोड़े पर बना दिया है। आपके साथ ही रखो, उसे दो, मेरे बच्चे आपके साथ रहेगा। टर्डोट, 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 के न्योते को ठुकराते हुए गलाफ अकेले चल पड़े। मालवे लौटने के साथ पश्चिमी दुनिया ने आतिशबाजी बनाना सीखा, जो शांति और सफलता की कामना करते हैं।